देखिए फूलों की होली और लठमार होली तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने जूते मार होली सुनी है? और जूते भी लाट साहब को पड़ते हैं, अगर नहीं तो देखिए इस रिपोर्ट में। जहां पूरे देश में रंगों के पर्व होली को लोगों ने पूरी उमंग और उत्साह के साथ मनाया, वहीं शाहजहांपुर से अनोखी होली की तस्वीरें सामने आई हैं। लाट साहब की सवारी पर रंगों के साथ जूते चप्पल की बौछार हो रही है। चर्चित लाट साहब के इस जुलूस को जिले के कई स्थानों से निकाला गया। जगह जगह जूते चप्पल और झाड़ू मारकर लोगों ने इनका स्वागत किया। शहर के चौक क्षेत्र में ये जुलूस सुबह शुरू हुआ। इसके बाद फूलमती मंदिर में दर्शन कराने के बाद लाट साहब को भैंसा गाड़ी पर बिठाया गया। यहाँ उन्हें कोतवाली ले जाया गया, जहाँ कोतवाल ने लाट साहब को नजराना और सलामी दी। सलामी देने के बाद भैंसा गाड़ी पर सवार लाट साहब को हेलमेट पहनाकर झाड़ू और जूते मारते हुए शहर में घुमाया गया। लाट साहब को खरोंच से बचाने के लिए हाथ पैर पर भी मोटा कपड़ा बांधा गया है। मजबूत हेलमेट पहनाया, लाट साहब को शराब भी पिलाई गई ताकि लाट साहब लोगों के ताने और गालियां इग्नोर कर सके। 7 किलोमीटर के इस जुलूस में लाट साहब को कड़ी सुरक्षा भी दी गई, जिससे उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। शाहजहांपुर में बैलगाड़ी पर लाट साहब का होली के दिन निकलने वाला जुलूस बेहद फेमस है। लोग अंग्रेजों के जुल्मों को इस दिन याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उमेश पाल हत्याकांड यूपी के प्रयागराज में हुआ, लेकिन वहां से लगभग 1300 किलोमीटर दूर कोई खौफ में है, और वो खौफ है एनकाउंटर का, जिसे लेकर गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद खौफ में जी रखा है। किसी जमाने में माफिया डॉन रहे अतीक को अपने एनकाउंटर का डर भी सता रहा है। अतीक जेल सुरक्षा कर्मियों से यूपी में हो रहे एनकाउंटर के बारे में पूछता रहता है। उस्मान एनकाउंटर के बाद से तो उसने खाना एकदम कम कर दिया, और पिछले 3 दिनों से अतीक पानी पीकर ही दिन काटता है। लगातार 2 एनकाउंटर के बाद से वो जेल में बेचैन दिख रहा है। अतीक सोते सोते जाग जाता है और चहलकदमी करने लगता है। जेल के सुरक्षा कर्मियों से उसने कई बार ये सवाल पूछा है कि उसकी जेल तो नहीं बदली जा रही है। इनके दुस्साहस को तो बताता ही है, उसका द्योतक है। इससे बड़ा और कौन सा टेस्ट या पैरामीटर चाहिए परीक्षण करने के लिए? उमेश पाल केस में यूपी पुलिस ने अब तक 2 शूटरों के एनकाउंटर कर दिए हैं। 27 फरवरी को पुलिस ने अरबाज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, तो 6 मार्च 2023 को प्रयागराज से उस्मान छर्रा मार गिराया गया। यही नहीं, प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे की भी हालत खराब है। शूटआउट केस में शामिल 2 अपराधियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद बेहद डरा हुआ है। उसे इस बात का डर है कि पुलिस जेल शिफ्टिंग के नाम पर उसे बाहर निकालकर उसका एनकाउंटर कर सकती है, मुठभेड़ में उसे भी मारा जा सकता है। आपने देश और विदेशों में होली की अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन रावण की ससुराल में सजी होली की महफिल भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रंगों के पर्व पर गीत गुनगुनाए जाते हैं। देश से लेकर विदेश तक होली का खुमार लोगों पर खूब छाया रहा। लोग सभी रंगों से सराबोर नजर आए, लेकिन ऐसे में अगर रावण की ससुराल की बात ना हो तो होली अधूरी सी लगती है, क्योंकि होली के दिन यहाँ रंग गुलाल के बजाय गीतों की महफिल सजती है। होली के दिन की ये तस्वीरें मेरठ की हैं। शहर के सबसे पुराने इलाके के चौक पर पुराने गीतों और होली के गानों की महफिल सजी है। लोग पुराने गीतों को खूब गुनगुना रहे हैं। मैं होली कैसे खेलूंगी सांवरिया के संग रंग, मैं होली कैसे खेलूंगी सांवरिया के संग रंग, मैं होली कैसे खेलूंगी सांवरिया के संग। रावण की ससुराल में लोगों ने घर के बाहर चबूतरों पर बैठकर होली के गीत गुनगुनाए। इस महफिल में ढोल मंजीरों की थाप खूब सुनाई थी। रंगों के त्योहार में इसी तरीके से सराबोर हो जाइए, सारी दुश्मनी भुला दीजिए, सारे जो दिल में द्वेष है उनको भुला दीजिए, और रंगों की खुशबू को अपने दिलों में समा लीजिए, क्योंकि ये त्योहार होली का त्योहार है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सतनु शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।